हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, HSSC भर्तियों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक्चुअली आप सभी को पता है, बड़ौदा इलेक्शन होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हरियाणा में आचार संहिता लग चुकी है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस किस चीज़ पर, कौन कौन सी चीज़ पर HSSC का असर पड़ सकता है, HSSC भर्तियों पर असर पड़ सकता है। लाइक नई भर्ती आएगी नहीं आएगी, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, आपकी जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है वो आ सकती है या नहीं आ सकती, और जो आपका PTE का केस है, जो कि एक्सेप्शन केस है, जिसको हाई कोर्ट ने बोला हुआ है कि 5 महीने के अंदर अंदर भर्ती पूरी करवानी है, क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी, उन सब का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आज के न्यूज़पेपर की कड़ी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि, 3 नवंबर को मतदान। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जूम करके दिखा तुम, भारतीय चुनाव आयोग के कार्यक्रम जारी करते ही बड़ौदा उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होने पर नई घोषणाएं नहीं की जा सकती। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई घोषणाएं नहीं की जा सकेगी, न ही विधानसभा क्षेत्र में तबादले व नियुक्तियाँ होगी। चुनाव आयोग की मंजूरी से ही अति आवश्यक तबादला व नियुक्ति आदेश जारी हो गए। मतलब कोई डिसीजन लेना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्शन कमिश्नर की उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे HSSC रिलेटेड। तो दोस्तों, HSSC की जो ज्वाइनिंग है, जितने भी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनकी ज्वाइनिंग अब नहीं होगी जब तक आचार संहिता लागू की गई है। और जो फाइनल रिजल्ट है कैंडिडेट्स का, वो भी आपका फाइनल रिजल्ट अब नहीं आएगा जब तक आचार संहिता लागू है। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनल प्रोसेस वगैरह है, लाइक वो आ सकता है, लाइक आपके जो रिजल्ट्स वगैरह वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट की। तो दोस्तों, ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट का सभी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, ये आपकी आ सकती है। ठीक है, ये आपकी आ सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं PTE भर्ती का, जो कि एक एक्सेप्शन है। आई थिंक ये वाली भर्ती आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है कि इसको 5 महीने के अंदर अंदर पूरा करवाना है, तो आई थिंक ये वाली भर्ती आपकी पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई आपका नई भर्ती का नोटिफिकेशन, वो भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, नई भर्ती का जो आपका नोटिफिकेशन है, वो भी आपका नहीं आएगा अब। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।